हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, मैंने आपको बताया है कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं एंड लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्न हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखना और अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि बच्चे हम देख रहे हैं कि वीडियो को कम देख रहे हैं और उसे नोट भी नहीं कर रहे हैं। भाई आप मेहनत करो, अगर आपके पास समय है पढ़ो अच्छे से यार, मेहनत करो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप देखो यहां, अब आप अगर ये क्वेश्चन नहीं जानोगे और बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा फिर आप क्या करोगे, कैसे आप 90% लाओगे, ठीक है। टारगेट 90% है और आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हो, देखो अच्छे से समझो। तो पहला प्रश्न आप देखो, यहां लिखा हुआ है Fe2O3 एंड +2Al एंड यहां Al2O3 हो गया +2Fe। तो ये बताओ कौन सी अभिक्रिया है, लाइक इस यहां ऊपर दी गई किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहां तो पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, या फिर आपका है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, या आपका विस्थापन अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया। अब अगर आप देख कर बता सकते हो तो अच्छी बात है, तो आप समझ लो कि आप पहला चैप्टर अच्छे से पढ़े हो। और अगर आप नहीं जानते हो तो आपको मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। ये जो आपका है ना, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है। जो अंडा का पिसा हुआ, जैसे अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है, जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा, लाइक उस विलयन में कौन सी चीज है। तो आपको ए ऑप्शन है NaCl, वी ऑप्शन है HCl, सी ऑप्शन है LiCl एंड डी ऑप्शन है KCl। तो आई होप कि आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसका सही आंसर होगा HCl। उसमें HCl है यानी कि अम्ल है, और वो जो होता है ना वो पानी को दुधिया कर देता है। यहां से आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और आपको सारे प्रश्न समझना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि लोहे के जो आपका फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। यहाँ ए है ग्रीस लगाकर, वी है पेंट लगाकर, सी है जिंक की परत चढ़ाकर, डी है ये सभी। तो आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि हम जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जो आपका जिंक की परत चढ़ाना अनिवार्य है। सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, यानी कि जो ब्यूटेनोन है उसमें कौन सी क्रियात्मक समूह है। ए ऑप्शन है आपका सिंगल बॉन्ड CHO एंड बी ऑप्शन है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड यहां आपका सी ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड OH एंड डी ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड COOH। तो जल्दी से आप लोग बताओ कौन सा सही है। ब्यूटेनोन यानी कि कीटोन समूह है, और इसका जो कीटोन समूह का आपका होता है वो आपका यहाँ एक एक से हाइड्रोजन जोड़कर आपका सी वो होता है डबल बॉन्ड से, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी दिक्कत है तो आप बता सकते हो, फिर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए कौन सी चीज आवश्यक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। अगर स्वपोषी पोषण है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के लिए। और यहां से नहीं, वो आपका है उपयुक्त सभी आपका सही है, क्योंकि हमें सब चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपका जो उपयुक्त सभी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, कि प्राग कोष में होते हैं, यानी कि जो प्राग कोष होता है उसमें क्या 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 होते हैं। इसमें से ए वाह दल, वी अंडप, सी अंडाशय एंड डी प्राग कण, ठीक है। तो कौन सा आपका सही है, देखो अगर आपको बताया जाए इसमें सही आंसर, तो जो प्राग कोष में क्या होता है, प्राग कोष में भैया प्राग कण होता है। प्राग कोष में क्या होता है,
परागकण होता है। क्यों? क्योंकि जो परागकण होता है वही जाकर मतलब वही मेन भूमिका होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, इन जो पुष्पों में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि मनुष्य के शुक्राण में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य का शुक्राणु है, शुक्राणु उसमें जो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ए आपका 22 या वी 24 या सी 42 या डी 44। देखो यहां जोड़ी नहीं पूछा गया कि कितनी जोड़ी होती है, इसमें सीधा पूछा गया कि ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ओके, तो यहां अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता चलता हूं। इसका सही आंसर होगा 44। इसमें जो ऑटोसोम की संख्या होगा वो 44 होगा। दो आपके कुल तो गुणसूत्र 46 होते हैं, लेकिन इसमें से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो आपका ऑटोसोम गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है? ऑटोसोम गुणसूत्र। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताओ। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आपको बताता हूं ऑप्शन। यहां लार या पित्त रस या जठर रस या कोई नहीं। तो यकृत जो है, यकृत वो स्रावित करता है भैया पित्त रस। क्या स्रावित करता है? पित्त रस, ठीक है। तो यहां से आपको यह भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी। आपको परिभाषा बताया गया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका फोकस दूरी होती है उसकी दोगुना वक्रता त्रिज्या होती है, क्योंकि जो आपकी फोकस दूरी होती है उसकी दोगुना, क्योंकि आपका एफ बराबर जो होता है वो आर बाई टू होता है। लेकिन यहाँ फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन अगर यहाँ वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहाँ आपको वक्रता त्रिज्या पूछा गया और फोकस दूरी दी हुई है, तो यहाँ 10 का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो आपकी क्या है, फोकस दूरी है, तो आपकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपको नहीं पता है तो प्रतिरोध का मात्रक याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो यहां से आपको मैंने 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मैंने आपको समझा दिया। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा। तो यहां अब आपका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। देखो जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वहां आप लोग देखिए सारे इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अच्छे से समझकर नोट कर लेना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से लिखा हुआ है किसी पदार्थ जो एक्स विलयन है, एक्स यानी कि एक प्रतीक दिया गया है, ठीक है, माना गया है कि विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो उसका आपको नाम बताना है। लाइक यहां लिखा हुआ है ए, यानी कि फर्स्ट नंबर आपको क्या बताना है कि पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र, यानी कि जो पदार्थ एक्स है उसका नाम बताना है और इसका सूत्र भी बताना है। और सेकंड क्या आपसे पूछ रहा है कि ऊपर एक में लिखे एक्स की जल से अभिक्रिया कराओ, यानी कि आप जो एक्स का नाम बताए हो, जो पदार्थ आपने बताया है उसकी आपको जल से अभिक्रिया भी करानी है, तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो जो आपका है, जो यहां आप उत्तर देख लो सब कुछ समझ जाओगे। जो पदार्थ है यानी कि पदार्थ एक्स का जो नाम है, पदार्थ एक्स का नाम क्या है मैं आपको बता दूं, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो जो पदार्थ एक्स का नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका सूत्र क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसका सूत्र देखो, कैल्शियम का CA होता है और ऑक्साइड का O होता है, यानी कि CaO है, ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन अब दूसरा स्टेप हमसे पूछ रहा है कि ऊपर जो एक्स का नाम है, जो एक्स पदार्थ है, उसकी जल से अभिक्रिया भी करानी है। तो ऊपर हमारा क्या है? वो है CaO, यानी कि ये भैया सोलिड होता है, यानी कि यस मतलब सोलिड, और इसका हमें H2O से अभिक्रिया कराना है, यानी कि L से लिक्विड होता है। फिर आपको गिव्स आउट मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस जब ये अभिक्रिया करेगा, एंड आपका प्लस ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है क्या क्या हमें मिला, ये दोनों आपको पता है, ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है जल, लेकिन हमें मिला क्या, ये मिला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं यहां नाम लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं कैल्शियम
तो ये मिला है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हमें ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। पदार्थ जो एक्स का नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, और इसकी हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा निकलेगी। चलो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक जो होता है उच्च क्यों होता है, यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक का नाम सुना होगा, और आयनिक यौगिक का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, लेकिन क्यों होता है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर मैं आपको समझा देता हूं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। ओके, तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इनके मध्य जो उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षक बल है, आकर्षण बल है, को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये जो होते हैं ना, मतलब अंतरा आणविक इकट्ठा यानी कि इकट्ठे होते हैं, और इनके आकर्षण बल से एक दूसरे से बहुत तगड़ा बंधे होते हैं, लाइक बहुत मजबूत बंधे होते हैं। अब जो चीजें अपने आप में मजबूत हैं उसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसे तोड़ने के लिए। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक इसीलिए उच्च होता है क्योंकि उसके अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो बहुत मतलब मजबूत होता है, और उसे तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये होता है कुल रीजन है ये, ठीक है। ये ऐसे आपको लिखना है, और अगर आप ऐसा लिख दोगे तो बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कटने का चांस नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपसे क्या कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम एक होता है, जाइलम दूसरा होता है फ्लोएम, लेकिन यहां आपको बताना है कि जो जाइलम होता है और फ्लोएम दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। लाइक आपने जाइलम का भी नाम सुना है और फ्लोएम का नाम भी सुना है, लेकिन आपने नाम सुना होगा, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, आपको जानना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं, देखो जाइलम जो होता है, जाइलम एक ऊतक है और फ्लोएम भी एक ऊतक ही है, लेकिन जाइलम पौधों में जल स्थानांतरित करता है। क्या है? जाइलम जो है पौधों में जल का स्थानांतरण करता है। लाइक एज एक पौधा है, यहां एक पौधा लगा हुआ है, तो ये जो है ना जाइलम इसमें जल का स्थानांतरण करेगा। किसका स्थानांतरण करेगा? जल का। तो इसमें जल का स्थानांतरण कौन करता है? जाइलम, यानी कि जा से जल, जा से जाइलम। लेकिन जबकि पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है। अगर जल का स्थानांतरण जाइलम करता है तो फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है। तो यही दोनों में डिफरेंस होते हैं कि जाइलम जल का मतलब पूरा भेजता है, स्थानांतरित करता है, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है, ठीक है। यप से क्या होता है? एफ से फ्लोएम, यप से फूड। तो ये है ट्रिक, देखो फूड से यानी कि फूड से फ्लोएम, और जा से जल, जल से जाइलम, ठीक है, समझ में आया। ये है आपका मेन रीजन जो इन दोनों में डिफरेंस है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रागण जो होता है, प्रागण आपने नाम सुना होगा, प्रागण का और निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। लाइक प्रागण भी एक अलग की क्रिया है और निषेचन एक अलग की क्रिया है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं? तो देखो प्राग कणों में प्राग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को प्रागण कहते हैं, या निषेचन से पहले की क्रिया है। लाइक जो प्रागण होता है ये निषेचन से पहले की क्रिया है, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो निषेचन होता है इसमें क्या होता है कि निषेचन में नर व मादा युग्मकों का संलयन तथा युग्मनज बनता है, या परागण के बाद की क्रिया है। मेन डिफरेंस है कि ये जो होता है निषेचन जो है ये परागकण के बाद की क्रिया है, और जो मतलब इसमें ये है ये निषेचन से पहले की क्रिया है, ठीक है। बस यही आपका बड़ा डिफरेंस हो, थोड़ा परिभाषा लिख देना जो मैंने ये परिभाषा लिखा है, और परिभाषा लिखकर ये रीजन लिख देना, फिर आपका फुल मार्क मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि है भी कुछ नहीं इसमें, अगर आप देखो तो इसमें है कुछ नहीं, लेकिन अगर आप ना समझो तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप इसे समझना है। अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसके रिकॉर्ड की बात की जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ये, अति लघुत्तरीय प्रश्न में कई बार पूछा गया है। और आप प्रश्न पढ़ो कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, और अभी मैंने बताया था, हम जानते हैं कि जो R होता है वो बराबर होता है 2F,
अगर r बराबर 2f होता है तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2f, और वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है तो हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यानी कि f बराबर r by 2 होता है। ठीक है, यहां हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, और आपको हमेशा याद रखना जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहां सीधा आपका 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 10 सेंटीमीटर कैसे आया, क्योंकि एक छोटा सा फार्मूला था f बराबर r by 2 और मैंने r का मान रखा जो उसका करेक्ट मान है, फिर हमने मान रखा तो यहां से मुझे f की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और आप लोगों को याद करके जाना है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, यानी कि विद्युत धारा की बढ़िया से परिभाषा लिख दो और इसका मात्रक भी लिखिए, यानी कि मात्रक भी बताना है। तो विद्युत धारा एक छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप जान जाओगे कि किसी चालक में जो आवेश यानी कि जो आवेश होता है, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि अगर आवेश को हम समय से भाग दे दें, समय दर कह रहा है ना, तो आवेश को अगर हम समय से भाग दे दें तो वही आपका विद्युत धारा होता है। तो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, उसमें जो विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर है वही जो होता है विद्युत धारा कहलाता है। तो आवेश प्रवाह की जो समय दर है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब आपको तो यह समझ में आया डिफिनेशन, लेकिन अब आपका यहां से एग्जैक्ट आपका मैंने बताया कि धारा जो होती है वो आपका जो क्यू है यानी कि आपका आवेश है, आवेश में हम टी से भाग दे दें तो यही आपका आई बराबर क्यू अपान टी होता है। और आई बराबर क्यू अपान टी तो यहां से आपका क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यों का मात्रक होता है कूलम, आपको पता होगा, और यहाँ टी का मात्रक होता है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, और कूलम प्रति सेकंड इसका मात्रक है, क्या है कूलम प्रति सेकंड। और ये आप एक और मात्रक इसका है, इसे आप लिख सकते हो एम्पियर, क्या लिखा जा सकता है, और ज्यादा पूछा जाता है भाई एम्पियर वाला ही, तो यहाँ एम्पियर आप याद रखना, एम्पियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और वैसे भी पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कौन सी राशि है तो ये आपका अदिश राशि है, कौन धारा अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, यहां से आपको सब कुछ पता चल गया, विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा कौन सी राशि है एंड और क्या मात्रा, सब कुछ पता चल गया। तो यहां से विद्युत धारा का पूरा आपका खल्लास हो गया विद्युत धारा के बारे में। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे जो लघुत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, लघुत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो लघुत्तरीय में मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैंने लिया है, और आपको ये जो क्वेश्चन लिया गया है लघु उत्तरीय और लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो जरूर याद करना। लॉन्ग क्वेश्चन वाला तो आपको कोई जल्दी बताया नहीं जितना मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, और आपको लघु उत्तरीय प्रश्न वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो और अच्छे से याद करो। ठीक है, लिखा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, नाम सुना होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण भी देना है। अब भैया यहां दो उदाहरण पूछ लिया है और याद आप लोग एक करते हो तो यहां से आपका नंबर कट सकता है, आपको दो उदाहरण पूछ रहा है दो बताओ कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टैलेंट है। देखो आप एक एग्जांपल अगर याद कर सकते हो तो दूसरा एग्जांपल आप याद मत करो, आप समझो, समझने में क्या है, जैसे यहां अभी आप समझ जाओगे, यहां आपको केवल अम्ल और क्षार याद रखना है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराओ, लवण बनाओ चाहे जितनी अभिक्रिया लिख डालो। ठीक है, अभी आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ है अम्ल यानी कि जो आपका एसिड होता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराएं तो हमें क्षार की मतलब अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराएं तो हमें जो परिणाम मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, लवण, वो हमें क्या मिलेगा, लवण तथा जल मिलेगा। यानी कि अब लवण तथा जल मिलेगा, अब लवण तथा जल मिलेगा और इसी को हम लोग अगर लवण की परिभाषा पूछा जाए तो यही बताना है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और अगर लवण बनाने की प्रक्रिया पूछी जाए तो यही बताना है। तो यहां आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया अगर आप कराओगे तो लवण तथा जल बनेगा और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो अब आपको यहां से उदासीनीकरण अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेन आपके लिए एग्जांपल है, यानी कि एग्जांपल में कुछ नहीं है, मैंने ये ले लिया NaOH, यानी कि NaOH क्या है, क्षार है, इतना तो आप जानते हो NaOH क्या है, क्षार है। चलो अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्लस
प्लस मैंने लिया, देखो मैंने अम्ल और क्षार की बात की है तो ये क्षार है और मैंने HCl अम्ल ले लिया, HCl अम्ल ले लिया। अब भैया हमें लवण बनाना है तथा जल बनाना है तो लवण मैंने NaCl बना लिया, NaCl और प्लस H2O जल बना लिया, बस हो गया। तो ये होती है अभिक्रियाएं, अभिक्रिया में कुछ नहीं है अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो अभिक्रिया में कुछ है नहीं। ओके यहां देखो ये आपका है क्षार, ठीक है, और ये आपका है अम्ल, और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से मैंने बताया है कि लवण बनेगा और तथा जल बनेगा, तो लवण तथा जल तो हमारा बन ही गया, तो ये भैया हमने सब कर लिया। ओके अब अगला देखो, अगला दो आपको एग्जाम्पल पूछा है तो ये नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है। ओके अब दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझो, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कैसे आप लोग निकालोगे। तो दूसरी अभिक्रिया आप कैसे करोगे, देखो दूसरी अभिक्रिया में कुछ नहीं है, दूसरी अभिक्रिया में भी आप अम्ल और क्षार ले लो, लाइक एज मैंने यहां NaOH की जगह KOH ले लिया, प्लस मैंने HCl ले लिया, ये नहीं आप एक को बदल सकते हो, दोनों को बदलो या ना बदलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आपका एक बनेगा KCl, ओके, तो इसकी जब आप लोग अभिक्रिया कराओगे तो यहां से KCl एक तरफ हो जाएगा, यानी कि आपको लास्ट में H2O प्राप्त करना है। फिर वही प्रोसेस है, ये आपका क्षार है, ये अम्ल है और ये लवण है, ये आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है, HCl तो अम्ल ही है, ये आपका KCl लवण है, ओके, और ये आपका जल है। तो फिर आपको समझ में आ गया ना, दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, नंबर फर्स्ट नंबर सेकेंड दोनों एग्जाम्पल था और बहुत इजी था, क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें कुछ नहीं है अगर आप समझो तब, बेसिक समझो, ठीक है, जो इसका बेसिक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है और उसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, अगला एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्या कह रहा है कि लक्षण प्रारूप जिसे कहा जाता है जीनोटाइप, नहीं जीनोटाइप तथा फिनोटाइप दो चीजें होती हैं और लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप इन्हीं दोनों का नाम है, लाइक जीनो प्रारूप जो है जीन प्रारूप है और जो फिनोटाइप है वो लक्षण प्रारूप है, ये दोनों एक ही है, चाहे लक्षण प्रारूप कहो चाहे फिनोटाइप कहो और चाहे आप लोग जीन प्रारूप कहो चाहे जीनोटाइप कहो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक चीजें हैं, ठीक है। तो दोनों का हम लोग समझते हैं परिभाषा, क्योंकि परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहां नंबर फर्स्ट आपको समझाऊंगा जीनोटाइप या जीन प्रारूप, देखो जीनोटाइप आप कह सकते हो या फिर जीन प्रारूप कह सकते हो, दोनों एक ही है कोई दिक्कत नहीं। देखो जीन मतलब जीनोटाइप मतलब जीन से होता है संबंध, यानी कि जिनके जीन एक समान हो, जैसे दो के जीन एक समान है तो वो एक जीनोटाइप होगा। देखो जो आकारिक लक्षण में जो जीव चाहे जैसा हो, आकारिक यानी कि देखने में वो चाहे जैसा हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो जैसा हो चाहे वो एक जैसा हो चाहे ना हो, लेकिन उनमें पाई जाने वाली जीन संरचना को जीनोटाइप कहते हैं, जो उनके अंदर पाई जाने वाली जीन की संरचना है उसे जीनोटाइप कहते हैं, लेकिन आकारिक रूप में जो जीव है वो चाहे जैसा हो उससे कोई संबंध नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन 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 आपका जो मतलब उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं, यानी कि जीन प्रारूप कहा जाता है या जीनोटाइप कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो फिनोटाइप, फिनोटाइप में क्या है कि जीन किसी भी प्रकार का हो, दोनों का उल्टा है, इसमें जीन किसी भी प्रकार का हो, इसमें वाह लक्षण यानी कि आकारिक लक्षण किसी भी प्रकार का हो, तो इसमें जीन किसी भी प्रकार का हो यद वाह रूप से समान लक्षण या उसका प्रभाव समान दिखाई देता है तो उसे फिनोटाइप कहते हैं। यहां जो उसका लक्षण है, लक्षण वो समान हो, लाइक लंबा लंबा हो बौना बौना हो, तो वही आपका फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप होता है। जीन किसी भी प्रकार का हो या दुवाह रूप से समान लक्षण या उसका प्रभाव समान दिखाई देता है तो वही आपका लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप फिनोटाइप में कुछ नहीं है अगर आप ध्यान से समझो तो, दोनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा आपको विपरीत रहना है कि आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाई जाने वाली जो जीनी संरचना है उसी को जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं, और इसमें है कि जीन किसी भी प्रकार का हो या दिवाह रूप से समान लक्षण या उसका प्रभाव समान दिखाई दे तो उसे फिनोटाइप कहा जाता है। तो यहां से ये क्वेश्चन एक ही है और आप दोनों मतलब एक ही मींस है, अगर आपसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो ये चाहे जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखकर आना है। कुछ स्टूडेंट पूछ लेते हैं ये और या ये पूछ ले मैं ये लिख दूं तो बच्चे लिख नहीं पाते, सोचते हैं यार लक्षण प्रारूप सबने पढ़ाया था तो यहाँ फिनोटाइप क्या है, भाई एक ही है इसीलिए मैंने आपको बता दिया।
अब मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आपको ओम का नियम सभी बताते हैं, ओम का नियम पूरे यूट्यूब पर सभी लोग बताते हैं, लेकिन उसका सत्यापन कोई नहीं बताता, सत्यापन ये चीज कोई नहीं बताता, ये चीज लिखकर कोई नहीं बताता। यार आज मैं सब बताऊंगा, लेकिन अगर आपसे ओम का नियम पूछेगा 7 नंबर में तो 7 में सत्यापन भी पूछेगा, और ये कोई नहीं बताता। मैंने देखा है यार, बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूं, मैंने एक बार बताया था, जो स्टूडेंट ने बहुत सादा मुझे प्यार दिया उस वीडियो पर, लेकिन आज मैं फिर से बताने वाला हूं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में कि ओम का नियम होता क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का परिपथ बनाकर वर्णन करो, और मैंने देखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओम का नियम हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ओम का नियम बढ़िया से समझेंगे, आपको 0 पॉइंट भी दिक्कत। देखो ओम का नियम होता क्या है, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, फिर सत्यापन भी समझ लेंगे। देखो ओम का नियम के अनुसार, यानी कि ओम के नियम के अनुसार, जब भौतिक अवस्थाएं, लाइक इस भौतिक अवस्था ताप दाब ये सारी होती हैं, तो भौतिक अवस्था समान, यदि जो भौतिक अवस्था है वो इक्वल हो, समान हो, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? नहीं आएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ओम ने यही बताया था, ओम के नियम अनुसार यही है, जब कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, चालक है, भौतिक अवस्थाएं जैसे यहां ताप है, दाब है, ठीक है, ये सारी आदि समान हो, यानी कि समान रहे, कोई चेंजेस ना हो, समान रहे, बिल्कुल इक्वल है, और इसीलिए यहां फिगर में देखो ये जो है ये बिल्कुल समान है, अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, तो बिल्कुल समान रहे, और तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर के समानुपाती होता है। कुल मिलाकर कहना क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं कि यहां जो विभवांतर होता है, जो यहां विभवाधन अंतर होता है, यानी कि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है धारा का, यानी कि धारा के समानुपाती होते हैं। कुल मिला के आप कह सकते हो, या आप लिख सकते हो V जो होता है, यानी कि समानुपाती I के होता है, विभवांतर समानुपाती I के, और यहाँ V अगर समानुपाती को हटाओगे तो यहाँ एक स्थिरांक जुड़ जाता है जिसे R कहा जाता है, एंड इंटू I, यानी कि इससे हम लोग लिख सकते हैं R बराबर V अपान I। ओके बस यही तो इसका छोटा सा है, ओम का नियम में बस इतना ही है, अगर आपसे ओम का नियम पूछा जाए तो बस इतना ही आपको तैयार करना है, ठीक है। मात्रक तो आपका ओम, मतलब ओम होता है, ओम ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, लेकिन आप लोग चाहे ओम लिखो, चाहे आप लोग इसका मात्रक, यहां मैं मात्रक हेडिंग डाल देता हूं, मात्रक चाहे इसका आप लोग लिख सकते हो। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और इसका मात्रक क्या होता है नीचे वाले का, नीचे वाले का होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, या तो आप ये मात्रक लिख सकते हो वोल्ट बटे एम्पियर, या फिर आप लोग दूसरा मात्रक मैं आपको बता दूं ओम लिख सकते हो, तो ये दोनों मात्रक आप लिख सकते हो बस, ठीक है। तो ये होता है पूरा पूरा आपका, ठीक है, और ओम जो ओम है उसे ऐसे भी चिन्ह के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, इस तरह ये इसका चिन्ह है। तो यहां आपको पूरा जो ओम का नियम था मैंने आपको डिटेल में बता दिया, अभी सत्यापन बाकी है, लेकिन ओम के नियम में और कुछ नहीं है, बस इतना ही समझना था, और आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले ओम के नियम में हमें क्या क्या लेना है, देखो सबसे पहले हमें ओम के नियम का सत्यापन, इस प्रयोग में एक बैटरी लेना है, अमीटर लेना है, कुंजी लेना है, धारा नियंत्रक लेना है, प्रतिरोध लेना है, तथा वोल्ट मीटर चित्र के अनुसार लगाते हैं। तो यहां भी मैं चित्र के अनुसार, यहां देखो एक चित्र है, यहां मैं आपको लगाता हूं, यहां आपका जो है ये प्रतिरोध तार है, यानी कि प्रतिरोध है, प्रतिरोध तार लिख लो या फिर प्रतिरोध है, ये आपका वोल्ट है, यानी कि वी, और यहां प्लस है और यहां माइनस है, ये आपका वोल्ट मीटर है, ओके वी यानी कि वोल्ट मीटर, समझ में आया, ओके कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका है कुंजी, देखो सब ऊपर लिखा हुआ है हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कुंजी, और ये होता है हमारा अमीटर, यानी कि यहां प्लस है यहां माइनस, ये है अमीटर। देखो सारी चीजें जरूरत है, देखो हमें बैटरी की, अमीटर की, कुंजी की, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर सभी की जरूरत है, इसलिए मैं यहां ले रहा हूं। ये है हमारा धारा नियंत्रक, ये क्या है, ये हमारा है धारा नियंत्रक, ओके धारा नियंत्रक,
ओके ये है हमारा बैटरी। बैटरी में आपको पता है बैटरी में प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज है। ओके समझ में आ रहा है। और ऐसे ये जा रही है, ऐसे इधर की तरफ, ये इधर की तरफ बह रही है, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे 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 बह रही है। यहां से जो चीजें थी मैंने आपको समझा दिया, इतनी चीजें हमें लेना है। और यहां जो आपका जीरो है, ये आपका जीरो है, और ये आपका वाई एच है, और ये आपका एक्स एच है। ये आपका है भैया विभुआंतर, क्या है विभुआंतर, ये है विभुआंतर, और ये आपका है, ये है धारा। मैं यहां धारा लिख देता हूं, धारा, ठीक है, धारा और विभुआंतर। अब यहां हमें इतनी चीजें लेने थी, और यहां मैंने सत्यापन में लिख दिया कि इस प्रयोग में एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र के अनुसार लगाना है। और यहां आप ऐसे चित्र के अनुसार बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही लगा लीजिएगा। और यहां आपको अभी इसी के द्वारा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई अमीटर द्वारा तथा विभुआंतर वी वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। यहां जो अमीटर है, अमीटर, यहां अमीटर और वोल्ट मीटर, ये दोनों मापने के लिए लगे हुए हैं। किसको किसको मापने के लिए, मैंने लिखा है सब कुछ, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को अमीटर से मापते हैं तथा विभुआंतर को वोल्ट मीटर से। अब यहां हम लोग पूरा यहां समझ लेंगे, फिर आपका पूरा सत्यापन हो जाएगा। देखो यहां आपको पूरा आपका समझ में आ जाएगा। प्रयोग करने के लिए कुंजी को लगाकर धारा नियंत्रक से एक स्थिति के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच विभुआंतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं, ठीक है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभुआंतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। और इस प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेते हैं। और जब जब विभुआंतर को एक्स अक्ष तथा, यहां देखो, जब यहां जो विभुआंतर है, ये जो विभुआंतर है, ये विभुआंतर को एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष, विभुआंतर को एक्स अक्ष तथा, या फिर तथा धारा को वाई अक्ष पर, यानी कि धारा को, जो ये धारा है, धारा को वाई अक्ष पर, ये वाई अक्ष है, ये देखो वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, वाई अक्ष पर ग्राफ खींचते हैं। देखो मैंने ये ग्राफ खींचा, अगर एक ग्राफ में आप बनाओगे तो ऐसा ही रहेगा, एक ग्राफ है, एक ग्राफ मैंने खींचा, अभी आपको समझ में आ रहा है ना। तो यदि यह सरल रेखा में आता है तो चालक के सिरों के बीच विभुआंतर तथा धारा के बीच एक सरल ग्राफ ओम के नियम का पालन करती है। ये देखो एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे नहीं, ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी, एक सरल रेखा, अगर एक सरल रेखा है तो वो ओम के नियम का पालन करती है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है, बस ओम का नियम का पालन करता है, प्रूफ हो चुका है ओम के नियम का। और इसी तरह से आपको ओम का नियम सत्यापन करना है। ये था हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो, आई होप कि आपको जरूर पसंद आया होगा, ओम का नियम भी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो वीडियो को, चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, आप लोग को सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, स्टडी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोटिवेट भी किया जाएगा, आपको हर मंथ से कैसे तैयारी करना है, ठीक है, क्या गलतियां ना करें बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो फिर, आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।